फ्रेंड्स, तो ये है पूरा का पूरा फ्रूट का दुकान, लेकिन यहाँ पर मिलता है भाई पिज्जा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि फ्रूट के दुकान पे पिज्जा कैसे, तो चलिए दिखाते हैं आपको फटाफट से। हेलो भैया, कैसे हैं? बस ठीक है भैया। तो भैया, मैंने सुना आप यहाँ पर फ्रूट का पिज्जा बनाते हो। पिज्जा बनाते हैं तो कैसे भाई, बिना बेस के, बिना मतलब मैदे वैदे का बेस, बिना पिज्जा कैसे बन जाएगा फ्रूट का? तो तरबूज से बनने वाला है फाइनल। तो गाइस देखिए, इससे पहले आप लोगों ने फ्रूट पिज्जा आज तक कहीं नहीं देखा होगा बनते हुए, पूरे भारत में नहीं देखा होगा। आपने ही फिर बनाया क्या सबसे पहले? क्या बात है। तो देखिए, पिज्जा के जो बेस होते हैं उसकी जगह पे यहाँ पर रहने वाला है ये तरबूज का बेस। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे कैसे बनेगा, तो रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फाइनल पिज्जा कैसे रेडी होने वाला है, कैसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लाइस ली गई है तरबूज की और उसको कटिंग किया जा रहा है। आपने देख लिया कितना बढ़िया से इन्होंने कटिंग किया इस चीज को, और ये आ गया प्लेट के अंदर। 100% नेचुरल, 100% हेल्दी। मैं तो कहूंगा भाई, हिंदुस्तान में अगर सबसे हेल्दी पिज्जा की बात की जाए तो यही पिज्जा रहने वाला है सबसे हेल्दी आज के टाइम में। भैया, ये बनाने का कैसे आपने सोचा होगा, ये जरा बताइए हमें। ये मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा था। अच्छा, फिर कुछ नया करें। हाँ, इसके लिए मैं कुछ नया करता हूँ। तो मतलब पिज्जा बनाने का सोच लिया आपने? पिज्जा बनाने के लिए। क्या बात, पिज्जा खाते हैं वो बीमार होते हैं मैदे का। हाँ, नया करता हूँ। तो मतलब अच्छा, तो दोनों का काम हो गया, मतलब हेल्थ भी और उपवास का भी काम हो गया। दोनों काम हो गया। ये चाट मसाला रहने वाला है, ये क्या है, व्हाइट वाला मसाला? अच्छा, और ये कौन सी, क्या है ये? ये ड्रैगन फ्रूट। तो ये देखिए, ड्रैगन फ्रूट के बाद ऊपर से आ रहा है पाइनएप्पल स्लाइस, और काफी डेकोरेटिव बनाया जा रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया से इसकी टॉपिंग गार्निशिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं। अंगूर साफ करो। और ये ऊपर से आ गया अंगूर, है ना भाई? तो ये देखिए, काला वाला जो अंगूर होता है वो आ गया ऊपर से। और ये देखिए, ऊपर से एप्पल आ रहा है। तो भैया, खाली फ्रूट ही रहने वाला है या इसमें और भी कुछ आने वाला है? फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह काफी आइटम है, मतलब ओवरलोड हो जाएगा। लोडेड है बिल्कुल ड्राई फ्रूट वगैरह से। क्या बात है भाई, तो बने रहिए आप लोग, देखिए पूरी वीडियो, तभी आपको भी पता चलेगा कि इस फ्रूट पिज्जा में क्या क्या आने वाला है। ये क्या काट रहे हैं आप छोटा छोटा? ये एप्रिकॉट। क्या है? एप्रिकॉट। अच्छा, ये मस्क मेलन है ना। खाओ मस्ती से मस्त हो जाओ। क्या बात है, उसमें तरबूज भरा। तो ये सबसे पहले डाला जा रहा है टूटी फूटी फ्रूट का, कंप्लीट ऐड करने के बाद टूटी फूटी आ गया ऊपर से, आप देख रहे हैं। और ये आ गया किशमिश, बादाम कतरन। ये देखिए, बादाम आ गया कटिंग किया हुआ। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। मतलब भाई साहब, अगर ये कोई एक खा लेना तो वो लोड हो जाएगा पूरा कंप्लीट, मतलब फिर वो दूसरा मांग नहीं सकता है, इतना चीज इसमें आ रहा है। ये देखो, और ये है चेरी भी आ गया। ओवरलोड हो जाएगी, बस ओवरलोड हो ही जाएंगे खाने के बाद। ये आ गया खजूर। क्या बात भाई, ये आ गया काजू। वाह वाह, बादाम। तो भाई देखो, काजू भी डाला गया है ऊपर से, साबुत बादाम भी डाला गया है इसके अंदर, खजूर भी डाला गया है, और ये देखो भाई अखरोट भी आ गया है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर आई है। ये ड्राई मैंगो। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, इससे ज्यादा हेल्दी तो आपको पिज्जा कहीं भी नहीं मिल सकता, इतना हेल्दी ये रहने वाला है। और
देखिए लास्ट में और भी कुछ इसमें आने वाला है, और ये देखिए ऊपर से क्रीम भी आ चुका है भाई, अमूल का फ्रेश वाला। क्या बात है भाई, कब रेडी हो गया या कुछ आना बाकी है इसमें? तो ये देखिए भाई सुपर हेल्दी फ्रूट पिज्जा रेडी हो चुका है, चलिए इसे खाते हैं और आपको बताते हैं लोकेशन वगैरह। सो गाइस ये देखिए ड्राई फ्रूट से लोडेड है, फ्रूट से लोडेड है, ये है फ्रूट पिज्जा, इंडिया का सबसे सुपर हेल्दी पिज्जा। जिसके वजन की बात करूँ क्वांटिटी की, तो भाई ये 500 ग्राम से 1 किलो का वजन रखने वाला है, और इसे खाने के लिए 1% भाई पूरी की पूरी आपकी फैमिली लगेगी, तब जाके ये खत्म होगा। तो अगर आप लोग भी थक चुके हैं पिज्जा खा के, मैदे वाला पिज्जा बच्चों को नहीं खिलाना चाहते, तो आइएगा, वैसे हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। एक बाइट लेते हैं भाई, भाई फ्रेश क्रीम के साथ इसका कॉम्बिनेशन टेस्ट बहुत बढ़िया है, बाकी फ्रूट वगैरह से लॉडेड है, सब फ्रूट के सारे फ्लेवर बहुत बढ़िया से आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ गाइस कमेंट कीजिएगा आपको ये पिज्जा कैसा लगा। भैया क्या एड्रेस रहने वाला है? ये उदना मतगल्ला रोड प्राइम सुपर सफल स्क्वायर के सामने देसी। और कितने बजे आते हैं आप? 1 बजे के बाद, रात को 12 बजे तक। और एवरी डे हर दिन ओपन रहता है? 365। ओके गाइस एक बार हम आपको प्रॉपर लोकेशन दिखाते हैं, यहाँ पर उदना मतगल्ला वाले रोड पर खड़ा है, सामने आपको मिल जाएगा सफल स्क्वायर और यहाँ मिलेगा प्राइम सुपर, एग्जैक्ट यहाँ पर आकर के आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बाकी फ्रूट की और भी सारी डिशेज रहती है।